आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। बदल गई सूरत, बदल गए हालात, जो थे नहीं लड़ाई में उन्होंने बदल दिए जज्बात। इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इस तरह का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में मामला कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली है। मैनपुरी से डिंपल यादव ने जीत का परचम लहराया है। दो लाख 21,000 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं डिंपल यादव। भाजपा के प्रदर्शन के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में भाजपा कोर ग्रुप के नेता शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे बैठक में। उत्तर प्रदेश की तीन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की तीन सीटों पर कांटे की टक्कर, फूलपुर, सलेमपुर और हमीरपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तीनों सीटों पर सपा महज कुछ वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए है। कुछ ही देर में कांग्रेस करेगी मीडिया से बातचीत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस दफ्तर। कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी दिल्ली रवाना होंगे। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर। गोंडा से भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह जीते हैं। जीत हासिल कर ली है, जीत का परचम लहरा दिया है। 46,224 वोटों से जीत दर्ज की है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर। वही गौतम बुद्ध नगर से भी भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। महेश शर्मा ने 5,59,472 वोटों से जीत दर्ज की है। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के महेश शर्मा चुनाव जीत चुके हैं। जीत का परचम लहरा चुके हैं महेश शर्मा। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। महेश शर्मा ने 5,59,472 वोटों से जीत दर्ज की है। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के महेश शर्मा ने चुनाव जीता है। महेश शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है। जीत का परचम लहराया है महेश शर्मा ने। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है, बड़ी जीत हासिल की है। महेश शर्मा ने 5,59,472 वोटों से जीत दर्ज की है। बहुत बड़ी जीत दर्ज की है महेश शर्मा ने। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के महेश शर्मा ने चुनाव जीत लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजेश, सपा कार्यालय के बाहर लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जी इतिहास कायम किया है, और इतिहास कायम के साथ साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जी कितनी खुशी है, कितने जोश है। यहाँ पे लोग लड़क रहे हैं, यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो खुशी है,
बहुत बड़ी खुशी क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, इतिहास का अंक है, पहली बार इतनी बड़ी सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में जो इतिहास का अंक है, ये बहुत बड़ा इतिहास है समाजवादी पार्टी। राजेश, एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल कर रही बढ़त बनाए हुए क्या फैक्टर रहे? बिल्कुल सपना, अगर बात करें इस फैक्टर की तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन इतने बड़े अंतराल से इतनी ज्यादा सीटों से उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं में जो नौकरी को लेकर एक रोष था, कहीं कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण यही था उत्तर प्रदेश में जो लोग जो है जनता, यहाँ की जो जनता है उत्तर प्रदेश जनता, इसीलिए जो है बीजेपी को यहाँ से नकार दिया और समाजवादी पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। जी राजेश, यादव परिवार ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, लगातार बढ़त बनाए हुए है, 1 पर अभी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सपना, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, जो यादव परिवार की सीटें थी, जो अखिलेश यादव के परिवार की सीटें थी, 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 1 सीट बची हुई, जहां पर कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। जबकि आपको बता दें कि बदायूं से आदित्य यादव वहां से अभी भी 16 से 17 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए जीत की, तो बिल्कुल जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सीटों को जीता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बदायूं से भी जीत इनकी संभव लग रही है अभी। जी राजेश, 2014 और 2019 में हारने के बाद फिर से एक बार एनडीए सरकार ने, यानी कि सपा ने, जीत हासिल करने की कोशिश की, लगातार टक्कर दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एनडीए को टक्कर दिया है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो यह ऐतिहासिक टक्कर है। पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतनी अंतराल सीटों से जीता है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। जी राजेश, लगातार सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए आप। बिल्कुल सपना, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि एकदम कार्यकर्ताओं का हुजूम उड़ा हुआ है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, कहीं कहीं हमारे साथ काफी लोग मौजूद भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा, आखिर क्या वजह है जो इतने अंतराल के, देखिए राजेश युवाओं ने बढ़िया कार्य किया है, अखिलेश यादव का सपोर्ट किया है, तो अब ये युवा जो खड़े हैं इनसे बात कीजिए कि युवा में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सपना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीट अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ा रोल युवाओं का है। हमारे साथ काफी युवा मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। समाजवादी पार्टी ने इतने लंबे अंतराल से जीत हासिल की, क्या वजह है इसकी? बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर, ये ऐसी योजनाएं हैं, इन्हीं का सबसे बड़ा युवा ने विरोध किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली है। जिस तरीके से लोगों को बहका के धर्म के नाम पर बांट कर ये राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, और अयोध्या जहां से ये बोलते थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम हमें लेके आए, भगवान श्री राम नहीं, इसको बाहर का रास्ता दिखाया है और रामलला ने बताया है कि भूमियों की सरकार अब नहीं चलेगी, और समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है। बिल्कुल सपना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं में खासा उत्साह है, और युवाओं ने कहा कि सबसे बड़ा कारण जो था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी लंबी इतने लंबे अंतराल से जीतने का सबसे बड़ा कारण युवाओं में जो रोजगार का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, और उसके अलावा महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, जो समाजवादी पार्टी इतने बड़े ऐतिहासिक जीत यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है जो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी जीत के साथ उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है, खास करके इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, आप बताइए क्या वजह है जो इतनी बड़ी, इतने लंबे अंतराल से समाजवादी पार्टी जीत हासिल की है? देखिए आज लोगों को पछतावा हो रहा है कि हमने मोहब्बत के खिलाफ जाकर सांप्रदायिकता को किसी वक्त चुना था, और सांप्रदायिकता ने हमारे देश को जहन्नम बना दिया। आज लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी से इतना ही मांग कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई से लोग परेशान है, दूसरी तरफ जिस तरीके के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है, और बुलडोजर नीति आप देखिए, कुछ बनाया नहीं लेकिन बुलडोजर चलाकर गरीबों, मजलूमों और लाचारों के घर तोड़ने लगे। इसीलिए राम कभी आज हिंदू मुसलमान की बात जनता तस्लीम नहीं करेगी, और उसने अगर किया है विकास के नाम पे आपकी वोट किया है, और ये जनता की लड़ाई। मैं ये कहना चाहूंगा, पीडीए बनाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने एक जबरदस्त गठबंधन को तैयार किया और इंडिया, जिसका नाम इंडिया रखा, और इन लोगों ने इस देश के आवास को हर जगह पहुंचाया। पूरे ये लोग जिस तरीके से जन सैलाब
इस इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। बिल्कुल सपना, आप देख सकती हैं कि यहाँ पे युवाओं ने कैसा जो है, युवाओं ने कहा कि ये पीडीए की जीत है, अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन जो पीडीए गठबंधन बनाया था ये उसी की जीत है। और खास करके जो अखिलेश यादव ने यहाँ के लोगों ने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी अयोध्या के नाम पर, अयोध्या के वहाँ राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती थी, राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहती थी, लोगों की जनता को बहलाना चाहती थी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अयोध्या में भी बीजेपी के चारों खाने चित हो गए। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, सबने इस तरह का जोश है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं में कितना जोश है। जी राजेश, अवध से लेकर पूर्वांचल तक समाजवादी पार्टी का डंका बज रहा है, कहा जा रहा है कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सपना, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, उससे साफ साफ जाहिर होता है, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे मध्यांचल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमांचल की बात करें, सारे जोन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का डंका बजा है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था और ऐतिहासिक जीत हासिल किया समाजवादी पार्टी ने। जी राजेश, अखिलेश यादव पर लगातार आरोप लगते रहे परिवारवाद के, तो क्या अखिलेश यादव पांचों सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे इस बार? सपना बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बनाए हुई है, अपनी जीत हासिल कर रही है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो कुर्बा था, जो यादव परिवार का था, उसमें भी चारों सीटें जीतकर और पांचवी सीट भी जीतने के प्रयास में, जीतने की तरफ बढ़ रही है समाजवादी पार्टी। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ी जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की जीत है। कहीं कहीं देखा जाए ये समाजवादी पार्टी के लिए ये इतिहास बन गया है उत्तर प्रदेश की जो इस बार जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी। जी राजेश, लगातार आप सपा कार्यालय के बाहर हैं, वहां पर लोग मौजूद हैं, सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, उत्साह देखने को मिल रहा है, डिंपल यादव ने भी जीत हासिल कर ली, अखिलेश यादव ने भी जीत हासिल कर ली है, तो जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर हम बात करें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने जिस तरीके से जीत हासिल की, कहीं कहीं उनके कार्यकर्ताओं में लगातार जो यहाँ पे पटाखे चलाकर और उसके अलावा ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे जो पदाधिकारी है, यहाँ पे जो उसके नेता है, सारे लोगों ने यहाँ पे उत्साह, यहाँ पे जलसा मचाया है, जलसा मचाया हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल उत्साह से नबरे दिखाई दे रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद है, बिल्कुल उत्साहित है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। राजेश, इस लोकसभा चुनाव का असर क्या 2027 के राज्यसभा चुनाव पर असर पड़े, विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से वापस आएगी? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कहीं कहीं अगर देखा जाए 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, और उस पर बिल्कुल साफ साफ का असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, कहीं कहीं जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत जीतने के बाद, यहाँ ऐतिहासिक सीटों जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का बिल्कुल कहीं कहीं अगर देखा जाए तो 2027 जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत हासिल की है, कहीं कहीं 2027 में भी जीत का परचम लहराने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी। जी राजेश, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा बढ़त बनाए हुए लगातार, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में खलबली मची है, सीएम योगी ने बैठक बुलाई है? बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिस तरीके से लगातार कहते आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की 80-80 सीटें बीजेपी जीत रही है, और पूरे देश की अगर बात करें तो 400 पार का लगातार नारा दे रहे थे, तो जिस तरीके से उनके इन वादों पर, उन मंसूबों पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पानी फेरा हुआ है, उसको लेकर बिल्कुल बीजेपी में खलबली मची हुई है, और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी के मुखिया जो है वो कहीं कहीं इसीलिए बैठक बुला रहे हैं और उस पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जी राजेश, कहां चूक गई बीजेपी इस बार?
सपना अगर बात की जाए बीजेपी कहाँ चूक गई, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, गांव गांव में जाकर गली गली में जाकर लोगों के पास जाकर जिस तरीके से लोगों से अपील कर रही थी, कहीं कहीं जहाँ पर एक संविधान का मुद्दा था, कहीं कहीं जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, ये सारे मुद्दे पीडीए और इंडिया गठबंधन ने उठाया था और उसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश की जनता है उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको समझा और उत्तर प्रदेश की जनता ने समझकर पीडीए को इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी को वोटिंग किया, मजबूत किया और इस ऐतिहासिक जीत के लिए लाकर खड़ा किया। जी राजेश, जिस तरह से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे चल रहा है तो क्या मान लिया जाए कि जो दोनों लड़कों की जोड़ी ने एक साथ मंच साझा किया था तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत ही ज्यादा प्यार दे दिया है? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनता की तो उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ थी, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जो दो लड़के की जोड़ी, जो विपक्ष लगातार कहता रहता था कि दो लड़कों की जोड़ी कटाक्ष करता था, तंज करता था तो कहीं कहीं उसी तंज को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना प्यार, अपना मतदान उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आज ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में हासिल किया है। जी राजेश, समाजवादी पार्टी कार्यालय में खुशहाल है, सब लोग एकदम झूम रहे हैं, तो क्या बीजेपी कार्यालय में भी यही हाल है? क्योंकि बीजेपी कार्यालय को दुल्हन की तरह सुबह से तैयार किया गया है, तैयारियों में जुटे पड़े, भंडारा वगैरह कर रहे हैं, तो क्या अभी भी वही हाल है, खुशियां मना रहे हैं बीजेपी कार्यालय पर? अपना अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन की हुई है उसको लेकर कहीं कहीं बीजेपी कार्यालय में बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जीत हासिल हुई है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल किया है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो उसको लेकर बीजेपी कार्यालय में बिल्कुल उस तरीके का उत्साह नहीं है जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में अभी मौके पर उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, वो उत्साह बिल्कुल बीजेपी कार्यालय में अभी नहीं है। जी राजेश, इंडिया गठबंधन जीत रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी का? सपना अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जीता है तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा रोल अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा रोल अखिलेश यादव का है। समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रैलियां किया, ऐतिहासिक आयोजन किए और लोगों से रैलियां करके जिस तरीके से आपने देखा होगा अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ लगातार उमड़ती थी, कहीं ना कहीं उसका असर देखने के लिए मिला है और उसी का प्यार, उसी जनता का प्यार अखिलेश यादव को मिला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आज ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जी राजेश, अमेठी में स्मृति ईरानी हार गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी कहती थी कि चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, वहां पर राहुल का या कांग्रेस का जादू नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो बीजेपी के मंसूबे थे कहीं ना कहीं वो फेल हो गए और खास करके अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस जो है वहां पे बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बहुत बड़े अंतराल के साथ राहुल गांधी रायबरेली से जीत हासिल की है। यहां तक आपको बता दें कि राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली से ही नहीं, वायनाड से भी, वायनाड और रायबरेली सीट से भी, दोनों सीटें से राहुल गांधी जो है बहुत लंबे अंतराल से जीत हासिल की है। जी राजेश, रायबरेली और अमेठी सीट इंडिया गठबंधन ने जीत लिया है, इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है, तो क्या इसमें अहम रोल प्रियंका गांधी का है, क्योंकि उन्होंने लगातार रैलियां की हैं, जनसभा को संबोधित किया है, नुक्कड़ में भी जनसभाएं की हैं, तो क्या प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा रोल रहा है रायबरेली अमेठी जीतने में? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए रायबरेली और अमेठी की तो रायबरेली और अमेठी में जिस तरीके से राहुल और प्रियंका गांधी ने लगातार वहां पे रैलियां की, लगातार वहां पे आयोजन किए, उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से संयुक्त रैली अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी में किया था, कहीं ना कहीं उसका असर सीधा सीधा देखने के लिए मिला है रायबरेली और अमेठी में, जिसकी वजह से वहां पे बंपर सीट में जो वहां की सीट थी बंपर जीत में वहां पे तब्दील हुई है और खास करके इसका श्रेय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को जाता है जो रायबरेली और अमेठी में इतने बड़े अंतराल के साथ वहां पे जीत हासिल हुई है। जी राजेश, अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी साथ होती तो क्या इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा सीटें जीत सकती थी?
सपना अगर बात की जाए बीएसपी की, तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीएसपी पहले साथ इंडिया गठबंधन में साथ आने के लिए तैयार थी, कहीं ना कहीं वो फिर से बिफर गई। लेकिन अगर बीएसपी साथ इंडिया गठबंधन के साथ आती तो कहीं ना कहीं आज अगर पूरे देश का माहौल कुछ और ही होता, क्योंकि क्योंकि बीएसपी के भी जो भी वोटर थे वो भी इस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते और कहीं ना कहीं सरकार जो है देश में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की बनते हुए दिखाई देती, उसका सीधा सीधा खास असर पड़ता इंडिया गठबंधन पर और सरकार बनाने को लेकर। जी राजेश, कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, क्या कुछ तय हो सकता है? आज अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल सपना, जिस तरीके से कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कोई कल वहां पे रणनीति तय होगी कि कौन विपक्ष का नेता होगा और किस तरीके से रणनीति बढ़ानी है और किस तरीके से अगला कदम उठाना है, इन सारी चीजों को लेकर कल दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है इन पे इन्हीं सारी मुद्दों पर वहाँ मुहर लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है उनको उसी तरीके से उसी तरह से उनका रोल भी वहाँ पे दिया जाएगा। जी राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार रैलियां की थी, सबसे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी, तो कहाँ चूक गए? कैसे ये तख्ता पलट हो गया कि इंडिया गठबंधन यूपी में जीत रहा और बीजेपी? जी राजेश, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो बिल्कुल जिस तरीके से चाहे चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां किए और ताबड़तोड़ यहां पे आयोजन किए, कहीं ना कहीं चाहे उन्होंने लगातार अपने अपने मुद्दे बदलते रहे, कहीं मंगलसूत्र का मुद्दा, कहीं तीन तलाक का मुद्दा, कहीं राम मंदिर का मुद्दा, कहीं सनातन धर्म का मुद्दा, ये सारे मुद्दे लगातार बार बार उठाते रहे। लेकिन कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ये सारे मुद्दे उनके फेल साबित हुए। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। खास करके सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर महंगाई, सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी वजह थी कि यहाँ पर जो युवाओं को नौकरी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सारे मुद्दे काम आए जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर मतदान किए और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत देकर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में जो बड़ी कई सीटों पर जीत हासिल करवाए, ये सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण यही था। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बदल गई सूरत, बदल गए हालात, जो थे नहीं लड़ाई में उन्होंने बदल दिए जज्बात। इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इस तरह का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में मामला कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी 400 पार के नारे को बुलंद करने वाली बीजेपी के हौसले पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों तक चली सियासी लड़ाई का कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि लड़ाई टक्कर की है, गिनती जारी है, धड़कनें अभी भी बढ़ी हैं। देखना होगा ये कि फाइनल आंकड़ा क्या होगा। धर्मेंद्र यादव ने 161,035 वोटों से जीत हासिल की है। आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत चुके हैं। धर्मेंद्र यादव ने 161,035 वोटों से जीत का परचम लहरा दिया है आजमगढ़ में। आंवला से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। आंवला से 15,969 वोटों से नीरज मौर्य ने जीत दर्ज की है। जीत का परचम लहराया है नीरज मौर्य ने।
सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य चुनाव जीत चुके हैं। रवि किशन ने गोरखपुर से चुनाव जीत लिया है। रवि किशन ने गोरखपुर में जीत का परचम लहरा दिया। 1,03,526 वोटों से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने जीत हासिल कर ली है। गोरखपुर से रवि किशन ने जीत दर्ज कर ली है। रवि किशन ने जीत का परचम लहरा दिया है। सीएम योगी के गढ़ से रवि किशन बीजेपी प्रत्याशी 1,03,526 वोटों से जीत हासिल कर ली है। गोरखपुर से रवि किशन ने जीत दर्ज कर ली है। जीत का परचम लहरा दिया है रवि किशन ने। रवि किशन ने गोरखपुर में जीत का परचम लहरा दिया है। 1,03,526 वोटों से रवि किशन ने जीत हासिल की है। रामपुर से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी ने जीत दर्ज की है। 87,434 वोटों से सपा प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। रामपुर से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। सपा प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी ने जीत का परचम लहरा दिया है। सतासी हजार 434 वोटों से सपा प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। रामपुर से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। सपा प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी ने जीत का परचम लहरा दिया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। ए यार तुम कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। उत्कारी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल।
जबलपुर रोड देवरी जिला रायसेन एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्री राम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव कंसल्टेंट फिजिशियन जिला चिकित्सालय के सामने रोशन कुटीर मुरैना। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात, सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ, पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahibshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है, आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच।